राम मंदिर का भी भूतल ही पूरा हुआ है, दो मंजिले और बनेंगी और यही नहीं परिसर और उसके बाहर कुल 13 नए मंदिरों का निर्माण होगा। आगे की क्या योजनाएं हैं इस बारे में हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी से बातचीत की और मारिया शकील ने ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से खास बातचीत की। 22 जनवरी का कार्यक्रम के लिए आपने पूरी तैयारी की, पर अब आगे आपका क्या रोड मैप होगा, क्योंकि अभी आपका मंदिर निर्माण का कार्य अभी चल रहा है, 3 फ्लोर बनने हैं उसके पूरे, आगे के लिए क्या प्लान किया आपने? राम मंदिर जो कम्प्लेक्स है, राम जन्मभूमि कम्प्लेक्स, उसको आप कैसे विकसित करेंगे, क्योंकि अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि आप अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं। हम लोगों को इसका पूरा भान है कि अभी स्वयं इसी मंदिर का काम अवशिष्ट है, इसके ऊपर दूसरा तल बनना है, शिखर का काम भी पूर्ण होना है और जो वहाँ पर मूर्तियाँ लग चुकी है उनका भी फिनिशिंग पॉलिशिंग कुछ मात्रा में अवशिष्ट है वो भी होना है। फिर ऊपर के तल के ऊपर राम परिवार की स्थापना होनी है, जहाँ भगवान श्री राम भगवती सीता जी सहित विराजमान होंगे और भरत जी है, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी है, हनुमान जी है, ये सब वहां पर रहेंगे। वह कार्य में पूरा करना है। उसके पश्चात परकोटे का काम करते करते इस परकोटे में हम लोगों को और 6 मंदिर बनाने हैं एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में। हम 7 मंदिर और बनाने जा रहे हैं, 7 ये मंदिर परिसर में और 6-7 बाहर। जी ये जो 7 मंदिर हैं ये भगवान का लीला परिकर कहलाता है, यानी भगवान की प्रत्यक्ष लीला में जो किसी न किसी प्रकार से सहभागी है उनके ये मंदिर होंगे। आपने जो धन जुटाया जनता से नए राम मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें से कितना खर्च अभी तक हुआ है जो फर्स्ट फ्लोर आपने अभी पूरी तरह से तैयार किया है? मंदिर के लिए जब निधि संकलन करना था तो उस निधि समर्पण के कार्य में हम लोगों का अनुमान था कि लगभग लोग 1100 करोड़ रुपए निधि समर्पण करेंगे। भगवान की कृपा ऐसी रही और लोगों का उत्साह ऐसा रहा कि हमने जो सोचा था उससे 3 गुना लोगों ने हम लोगों को धन प्रदान किया। मंदिर के कार्य में लगभग 1100 करोड़ रुपयों की लगभग की बात कर रहा हूं व्यय अब तक हो गया और कुल मिलाकर के 1400 करोड़ तक हम जाएंगे ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसे ही ये खर्च भी आरंभ हुआ वैसे अपने आप ही लोगों के भीतर की प्रेरणा भगवान के लिए भक्ति की इतनी जागृत हो गई कि लोगों के दान का भी स्रोत चलता रहा और इसलिए ये सारा खर्चा करने के उपरांत भी लगभग 3000 करोड़ रुपए हम लोगों के पास अवशिष्ट है।